हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज की जो वैकेंसी है वो हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। किस हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है अभी मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले जो हाइलाइट्स फीचर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत जो योग्यता आपसे मांगी गई है वो सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लॉ की डिग्री होना आवश्यक नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया है, पीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी किया है, वो सभी स्टूडेंट जो स्नातक हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 55 पोस्ट यहां पे निकाली गई है। सैलरी आप देखिए, जो सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स है वो सैलरी है। सैलरी कितनी है आप देख रहे हैं, 1,42,400 रुपए तक आपकी सैलरी इसमें हो सकती है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जुडिशरी में चाहे जिस भी स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, एमपी, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी मैं यूपी एचजीएस पढ़ा रहा हूं, यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ और अन्य स्टेट के भी मैं जुडिशरी के क्लासेस ले रहा हूं। तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें। चलिए आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है आपकी, ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब जो पोस्ट है आपकी वो कौन सी पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या रखा गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो पोस्ट का नाम रखा गया है ये असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के द्वारा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आप असिस्टेंट बनेंगे और असिस्टेंट एक बहुत ही बढ़िया आपकी पोस्ट होती है। ध्यान रखिएगा ये भी कि जो पोस्ट है आपकी ये कहां निकली है, रांची में निकली है, झारखंड में निकली है, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये आपका किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम इसमें कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर ले तो ये आप देख रहे हैं 55 टोटल आपकी वैकेंसी यहां बताई गई है। अब कितनी कितनी वैकेंसियां बताई गई हैं आप देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 22 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 14 है, बीसी 1 के लिए 4 है, बीसी सेकंड के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। तो टोटल हम देख लेते हैं तो 55 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। आगे चलते हैं हम लोग, जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 22 मार्च, इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को फिल कर देंगे, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, 20 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में, पे स्केल के बारे में और आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई उसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, पोस्ट का नाम हमने आपको बता दिया क्या है, असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, ये पूरा आपका पोस्ट का नाम है। पे स्केल कितनी रहने वाली है, पे स्केल यहां पे आप देख रहे हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। ठीक है, अब मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। वो ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में आपने किया है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, कुछ भी आपने किया है, यहां पर आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। एलएलबी मैंडेटरी नहीं है कि एलएलबी वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कि ये जरूरी नहीं है कि एलएलबी वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे देखिए बताया गया है नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे थोड़ी बहुत आपको टाइपिंग यहां पर आनी चाहिए। अब देखिए यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई जा रही है, इसमें आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता देता हूं।
जब आप जाते हैं यहां पर सिक्स नंबर पे, तो यहां एज की बात की गई है। मिनिमम जो एज रखी गई है वो 21 रखी गई है और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 35 इयर्स रखी गई है, अर्थात 21 से 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो छूट प्रदान की गई है, कितनी छूट प्रदान की गई है आप इसको भी देख लीजिए। यहां पर 40 साल तक के लोग जो एससी हैं, एसटी हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए अभी तक आपने देखा सिक्स नंबर पर, अब आप देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये एट नंबर पे। यहां पे कहा जा रहा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द रिटन टेस्ट एंड द पर्सनालिटी टेस्ट और वीवा वॉइस टेस्ट। अर्थात कि आपसे क्या लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा और क्या होगा आपका, आपका वीवा वॉइस या हम कहें इंटरव्यू होगा। मतलब दो चीज, एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये दो ही चीज आपसे लिए जाएंगे। यहां पर देखिए आप फैसिलिटीज फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर बताया गया है, इसको एक बार आप लोग यहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर इनक्लोजर्स बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगेगा, क्या सबमिट करना होगा, ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। देखिए कहा गया है कि ऑल लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपका जो लेटेस्ट आपका फोटो होगा वो लगेगा, बाबा जमाने का आप फोटो मत चिपका दीजिएगा, जो लेटेस्ट होगा वही फोटो लगाइएगा। ठीक है, कि आपको जो आयोग है वहां का, हाई कोर्ट का जो आयोग है वो आपको कम से कम पहचान तो सके। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहां पे देख लेंगे क्या क्या लगेगा, मैट्रिक्स की आपकी सर्टिफिकेट लगेगी और तमाम तरह की चीजें यहां पे मांगी गई हैं, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यहां भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेम में क्या क्या आपका लगेगा, इसके साथ डॉक्यूमेंट साइज क्या होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें यहां पर बता दी गई है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर ले तो यहां पर यह बताया जा रहा है ₹500 आपका फीस लिया जाएगा। ये किसके लिए है, ये अनरिजर्व के लिए है और EWS के लिए लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ₹125 रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट कैसे करना होगा, पेमेंट का मोड क्या होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया जा रहा है कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कितने घंटे का आपका पेपर होगा, ये सभी चीजें यहां बताई जा रही है। सीरियल नंबर वन में कहा जा रहा है रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 19 मार्च का होगा। ठीक है, और समय जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे आपको समय दिएगा, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका टेस्ट, ये 5 मिनट का होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर जो लास्ट है आपका वीवा वॉइस होगा अर्थात इंटरव्यू होगा, ये आपका 15 मार्च। देखिए सिलेबस में आगे जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है आपका सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यहां आप देखेंगे ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कैटेगरी का रहेगा। जो हमने पहला कहा ना, ये रिटन टेस्ट में ये 3 चीजें हैं आपसे पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा, ग्रुप फर्स्ट में आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, इस इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वर्ड पावर, ये कितने मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश एसे राइटिंग पूछी जाएगी आपसे, ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ग्रुप फर्स्ट में 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ग्रुप सेकंड में अब आप आते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ये आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, 30 मार्क्स हो गया। ग्रुप थर्ड में आप आते हैं तो यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड पूछा जाएगा आपसे, 30 मार्क्स का आपका ये भी पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 30 30 30 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था रिटन टेस्ट कितना है, 90 मार्क्स का होगा, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 90 हो गया। क्लियर, अब देखिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहां पर यह बता दिया जा रहा है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहां पे, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा झारखंड की वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का नाम है झारखंड हाईकोर्ट .net.in,
यहां पर आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट नाम का एक सेक्शन होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर कर दूंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो आई होप यहां तक बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।